ओम शांति। 5 सितंबर 2019 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी? उत्तर, हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है, यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है? बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, कोई बात नहीं है। 84 का चक्र और हरेक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, यह तो है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात। वह होंगे याद से, अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पालेंगे। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हरेक का होगा ही, मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है, और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं, मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं कोई में जाता नहीं हूँ। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ मैं प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ। सदैव नहीं बैठ सकता हूँ, बहु रूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं।
बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रविष्टता है। मुझे शिव बाबा यह कहते हैं, नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे ना सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देती हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थीं। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से यह भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गया। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है। कोई विकर्म ना करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे। और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गईं? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं, उस समय मुंह इस तरफ और पांव शमशान तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित हैं इसलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है। नहीं, संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं, हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है। हिंदी ही होनी चाहिए, फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है। और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं,
इतने मच्छर निकलते हैं, कहां जाते हैं? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं। आत्माएं कहां जाती हैं? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा, बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। कहां बुद्धि तो नहीं जाती, भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना, और कोई बात में फायदा नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। यह पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। यह जरूर दिल में याद रखना है, बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। यही बाप भी कहते हैं, तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे ना सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना, ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है, उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं, यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है। उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे, फिर उसमें है बुद्धि पर मदार। कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप की संतान हैं, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आता है ना, देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया, वह फट से सब आदतें छोड़ देंगी। तुम कहो ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह, हमको यह बनना है। 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है, देखने से ही समझ जाते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया है, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो, यह ज्ञान कभी कहां से भी मिल नहीं सकता। यह पढ़ाई है, पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है,
कि बाप को याद करो। बाप पढ़ाते हैं यह निश्चय करो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते। भल अपने को भगवान कहीं व कुछ भी कहीं, परंतु पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूंझ पड़े हैं। कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है, पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है। तो यह भी बाप ने स्थापना कर दी है, बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है। उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती, उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सतयुग की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा, बाप तो स्वर्ग में आते नहीं। आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहां ट्रांसफर कर दो। सब तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं, भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है। अभी तो बाप आई हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से भी यह आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं। यह है नर्क,
तुम जानते हो नरक से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर देते हैं। सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, अभी तुम्हारी भी यह महिमा है जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी, तो वहां फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न। अभी तुम हेल में बैठे हो, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान खिवैया कहा जाता है। गाते भी हैं हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी हैं। तो आत्मा पुकारती है, महिमा भल गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जो आया सो कह देते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं। सर्व का सदगति दाता जो बाप है, उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। वह है मेजॉरिटी, तुम्हारी है माइनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी, तब उन्हों को भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरा, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहां भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। स्लोगन, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on
youtube.com/tv peace of mind. Just a click for a peaceful life.